इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। कौन है वो जो आदित्य सिंह को प्रताड़ित कर रहा है? कौन है वो जो उनके पति पर दबाव बना रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अब भाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी जमकर बढ़ता ही जा रहा है और अब अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके पति पर उनके ही खिलाफ बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ प्रियंका जी नारा देती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ लड़ रही हूँ, और इतनी छोटी हरकत करके, इतनी बुरी हरकत करके मेरे पति पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटती? क्यों बार बार मुझे प्रताड़ित और परेशान करने का प्रयास करती हैं? क्या मेरी जनता ये सब देख नहीं रही है? एक अकेली लड़की लड़ रही है। पिछले 5 साल के बारे में आपने पूछा था, मैं बता दूं, पिछले 5 साल पहले मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ लाए थे इस प्रांगण में, आज वो नहीं है। अकेले लड़ रही हूँ, अपनी जनता के भरोसे लड़ रही हूँ, प्रचंड बहुमत से जीत के आऊँगी। जो लोग लड़कियाँ लड़कियों लड़ सकतियों का नारा देते हैं, वो सबसे पहले अपने घर की लड़कियों को सुरक्षित रखें, उनको प्रताड़ित करना बंद करें। तो अदिति कहती हैं कि बिन बाप की बेटी को प्रियंका गांधी परेशान कर रही हैं। तो क्या ये रायबरेली की जनता के लिए इमोशनल मैसेज था? क्योंकि अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह के निधन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। साल 2019 अगस्त में अदिति के पिता अखिलेश सिंह का निधन हुआ था और ये तो सबको मालूम ही है कि कैसे 2017 में अखिलेश ने अपने रहते अदिति को अपनी सियासी विरासत सौंपी थी। उन्हीं के नाम पर अदिति सिंह को 2017 के चुनाव में पहली बार में ही एक बहुत बड़ी जीत मिली थी और अब जब पाला बदल कर वो फिर से चुनाव में हैं तो लोगों के बीच इस तरह के आरोपों का या बयानों का क्या संदेश जाएगा, ये बखूबी समझा जा सकता है। वैसे इस बार अदिति सिंह का ये बयान अपने पति की वजह से आया है। दरअसल अदिति सिंह का ये दर्द उनके पति अंगद का टिकट काटे जाने पर है। अदिति सिंह के पति अंगद सिंह कांग्रेस से ही पंजाब के नवाज शहर से विधायक हैं, लेकिन अदिति सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने उनके पति का टिकट काट दिया। बाद में अंगद सिंह ने नवाज शहर से ही निर्दलीय पर्चा भरने का फैसला लिया। वैसे जब से ही अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तब से ही उनकी कांग्रेस के लिए तलखी देखने को मिल रही है। अभी कुछ वक्त पहले जब प्रियंका गांधी ने इशारों ही इशारों में कहा था कि वो ही यूपी में कांग्रेस का सीएम फेस हैं, तो इस पर अदिति सिंह ने कहा था कि प्रियंका को सीएम फेस बनने का हक है, लेकिन बनने के लिए वो सीटें कहां से लेकर आएंगी। तो अदिति सिंह ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं और जो सबसे बड़ा नारा प्रियंका गांधी का है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी को लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रियंका पर हमला किया उसकी खूब चर्चा हो रही है और एक के बाद एक इस नारे का इस्तेमाल करती हुई कांग्रेस के ऊपर जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी परेशानी कांग्रेस के लिए बनती दिखाई दे रही है। अब अंगद सिंह के टिकट कटने की असल कहानी क्या है उस पर फिर कभी बात होगी, लेकिन तमाम सियासी खबरों के लिए यूपी के चुनाव को समझने के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक.in।